तो ऐसी आवाज़ जो अपनी अभी सुनी, ये आवाज़ इसके इंजन में आ रही है, इसके लिए हम इसका टापा ऊपर का खोलेंगे और आपको दिखाएंगे ये आवाज़ में हुआ क्या है, आखिर इसकी आवाज़ को कैसे बंद किया जाए। ठीक है दोस्तों, बाहर इस कंपनी ने चक्र है तो उसको मैकेनिक को पिछला ना काम बताया, तो हम आपको बताएंगे क्या हुआ इसमें असल में। हमने इसका हेड अपर जो कवर होता है वो खोल लिया है, इसकी टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस कस्टमर ने कहा था कि टेम्परेचर मैंने नहीं डलवाई हुई है, तो सिंपल सी बात है टेम्परेचर में तो फिर आवाज़ नहीं आएगी। इसके टैपेट चेक करेंगे प्लर गेज से, टैपेट चेक करेंगे, टैपेट में देखेंगे प्ले कितनी है, 0.5 mm होनी चाहिए पीछे, 0.5 mm आगे 0.7 mm। ठीक है दोस्तों, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो मैनेज इसको। इसके पीछे का टैपेट हल्का सा टाइट है, ठीक है दोस्तों। और अब हम आगे वाला टैपेट चेक करेंगे, मतलब बड़ा वाल जो होता है, आगे वाला टैपेट देखेंगे। ये देखो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा प्ले है, तो इसको हम सेट कर देंगे। और मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि इन दोनों प्रॉब्लम को, इस टैपेट को सेट करते ही इसकी आवाज़ एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो हम इसको टैपेट को सेट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, 0.7 और 0.5 mm पर, फिर आपको गाड़ी चेक कराते हैं स्टार्ट करके। देखा आपने, इसकी आवाज़ इतनी चेंज हो गई है, एकदम प्रोफेशनल आवाज़ जो आ रही है वो ही है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी कंपनी में अगर जाता है तो उसको उसके जो है एकदम जो बातें होती है, जैसे पिस्टन का काम होगा, इंजन का काम होगा, ऐसे में नहीं है जो एग्जैक्टली है वो पता लगाएं, उसके बाद ही पता लगाएं। ठीक है, मेरे पास एक कस्टमर आया, मैंने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा और वाकई में बहुत ज़्यादा आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। टैपेट ही नहीं थी, टैपेट में और कोई दिक्कत नहीं टैपेट के अलावा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर अपडेट रहता हूँ मैं, कोई मैसेज करके थोड़ा रिप्लाई कर दूँगा। धन्यवाद।